Autofix virtual background zoom not working in Android problem। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपका जो zoom है, ठीक है, आपका जो zoom एप्लीकेशन है आपके Android पर, यदि आपको लगता है कि उसमें virtual background जो होते हैं वो आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर पा रहे, आप चेंज नहीं कर पा रहे, तो दोस्तों ऐसा क्यों है, मैं आपको आज के इस वीडियो पर इसके रिगार्डिंग पर जो डिटेल्स है वो बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ना प्रॉब्लम सॉल्यूशन होने वाला है और ना ही दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर जो है वर्चुअल बैकग्राउंड यहाँ पर काम क्यों नहीं कर रहा है उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा, तो आप अपने आप ही समझ जाओगे कि जूम का जो वर्चुअल बैकग्राउंड है वो कहाँ पर काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देर के वे शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों उसमें जो बेल आइकॉन आपको दिखाई दे रहा है तो बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा। और दोस्तों, यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए हमने जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है। ठीक है, और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर जो है फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर के वही शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो वर्चुअल बैकग्राउंड है आपको पता है, ठीक है, वर्चुअल बैकग्राउंड यहाँ पर क्या होते हैं, तो वर्चुअल बैकग्राउंड दोस्तों वो होता है जो आपके बैकग्राउंड पर रहते हैं जब आप वीडियो कॉल करते हैं जूम मीटिंग पर। ठीक है, जब आप जूम मीटिंग पर वीडियो कॉल करते हैं तो आपका जो बैकग्राउंड है पीछे का, तो उनको चेंज करने का तरीका होता है वर्चुअल बैकग्राउंड। ठीक है, तो वो दोस्तों यहाँ पर काम क्यों नहीं करते, क्योंकि दोस्तों वो जो फ्यूचर है वो सिर्फ अवेलेबल है आपके पीसी पर, आपके लैपटॉप पर। ठीक है, तो दोनों में से दोस्तों आप किसी पर यूज़ कर सकते हैं, पीसी या तो फिर लैपटॉप। तो एंड्रॉयड पे जो है दोस्तों ये फ्यूचर आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड्रॉयड पर अभी तक जो है इसका फ्यूचर नहीं निकला है। लेकिन दोस्तों, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप जो है यदि अपना बैकग्राउंड को यहाँ पर शो करवाना नहीं चाहते हैं तो आप अपने पिक्चर डाल के भी जो है बैकग्राउंड को ऑफ कर दे सकते हैं। ठीक है, यदि आपकी कोई पिक है तो आप जाइए अपने प्रोफाइल पे, तो यहाँ मीटिंग पर जाके प्रोफाइल मिल जाएगा आपको, तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। ठीक है, आपका जो प्रोफाइल पिक्चर दिख रहा है उसके ठीक सामने में जो एरो है उसमें क्लिक करना है। तो उसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो प्रोफाइल फ़ोटो है आपको वहाँ पर जाके चेंज कर देना है। ठीक है, तो लोगों को यहाँ पर पता चल जाएगा कि ये आपका अकाउंट है और आप ही अकाउंट के अंदर पे। तो दोस्तों, इस तरह से आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल बैकग्राउंड जो है वो आपको एंड्रॉयड में नहीं मिलेगा। ठीक है, यदि आप इस तरह का जो ट्रिक है वो ढूंढते रहते हैं तो दोस्तों ये जो ट्रिक है कभी काम नहीं करेगा। ठीक है, ऑलरेडी मैंने पूरा ट्रिक यहाँ पर इस्तेमाल करके देखा है, वर्चुअल बैकग्राउंड जो है वो एंड्रॉयड डिवाइस पर है ही नहीं है। ठीक है, ही नहीं है यहाँ पर, वो सिर्फ पीसी या तो फिर लैपटॉप पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है यहाँ पर अभी पता लग गया होगा कि वर्चुअल बैकग्राउंड जो है जूम पर क्यों काम नहीं करते और काम करते तो किस चीज़ में काम करते हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग पर यदि आपको कोई चीज़ पूछना है तो आप हमें कॉमेंट डाउन करके पूछ सकते हैं या तो फिर ट्विटर पर हमें मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।